अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़ायदाज़ फूड फैक्ट्री। आज की रेसिपी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ में से एक है। ये नो बेक मिनी डिज़र्ट भी है। बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट की नाश या चॉकलेट सिरप का एक बहुत ही यमी सा कॉम्बिनेशन है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत शॉर्ट से हैं, जैसे कि बिस्किट्स हैं, चॉकलेट सिरप है और मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। चले आए देखते हैं इसकी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम 3 पैकेट मैरी बिस्किट्स के लेंगे और उनको हाथों से तोड़ देंगे। पहले तो होता है कि जब हम बिस्किट्स लेते हैं उन्हें क्रश करते हैं, लेकिन ये हाथों से मोटे मोटे हमने तोड़ लेने हैं। तकरीबन ये 3 पैकेट हमें चाहिए इस मिनी डिज़र्ट के लिए। इस मिनी डिज़र्ट का नाम है रॉकी रोड फज। ऑफ कोर्स इसमें चॉकलेट भी शामिल होगी। जब हमने 3 पैकेट बिस्किट मैरी बिस्किट के लिए और उन्हें हाथों से तोड़ लिया, उसके बाद हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जिसमें आप काजू हैं ले सकते हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, पीनट है, यानी मिक्स जितने भी आप डालेंगे उतना ही ये यमी बनेगा। इसके साथ हमें चाहिए होगा कोको पाउडर, एक अच्छे ब्रांड का। ये ब्रांड जो इस वीडियो में है ये भी आप ले सकते हैं, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें चॉकलेट का एक बड़ा क्यूब चाहिए। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने शुगर के लिए चीनी, रेगुलर चीनी जो है वो देचकी में डाली। जब उसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया, साथ ही हमने 2 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर के डाल दिए, और उसके बाद चॉकलेट भी तोड़ के डालनी है हमने। छोटे छोटे पीसीस में कर लें चॉकलेट को, और वो भी दिचके में डाल के हल्की आंच पे हमने उसको पकाना है। और उसमें तकरीबन आप 2 घूंट पानी भी डाल सकते हैं, यानी कि हाफ़ कप जो है, हाफ से भी कम वो पानी के आप शामिल करेंगे। उसे अच्छी तरह हिलाना है। जब चॉकलेट मेल्ट होगी आपने उतार लेने, और जो क्रश किए हुए बिस्किट थे उनमें हमने ये चॉकलेट गनाश जो है वो डाल देनी, और चम्मच से अच्छी तरह इसको उलट पुलट करना है, मिक्स करना है, ताकि चॉकलेट अच्छी तरह बिस्किट में हल हो जाए। और साथ ही हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो भी इसमें शामिल कर देने हैं। अब हम एक छोटे पैन लेंगे या सांचा लेंगे, तो उसमें हम अच्छी तरह इसको चम्मच के साथ दबा के फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह ठंडी भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए, फिक्स भी हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो गया, हमने फ्रिज में से इसको बाहर निकाला। ये अच्छी तरह जब चॉकलेट ठंडी हो जाएगी तो वो फिक्स कर लेगी सब चीज़ों को। सांचे में से डिज़र्ट को बाहर निकाला और इसको क्यूब्स में काट लिया आपने, और इसको फिर आपने छोटे क्यूब्स में काटें या किसी शेप में भी काट के आप इसको सर्व कर सकते हैं। रॉकी रोड फज के साथ जो दूसरी बनने वाली रेसिपी है वो विंटर्स की स्पेशलिटी है, यानी कैरेमल टी। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हमें, वो है 3 टेबलस्पून रेगुलर चीनी चाहिए हमें शुगर, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए चाय की पत्ती। कोई सी ब्रांड की पत्ती भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके डेगची में डालें और चूल्हे पर चढ़ा दें मीडियम फ्लेम पर, और अच्छी तरह इसको मिक्स करें। जब शुगर थोड़ी सी डिज़ोल्व होने लगे, पत्ती का कलर थोड़ा सा आने लगे, तो हम इसमें तकरीबन 1 भरा हुआ कप मिल्क का डाल देंगे देचकी के अंदर। क्योंकि जब हम मिल्क डालेंगे इस कैरेमल में, पत्ती और जो शुगर का एक कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा ये जम जाएगा, इससे आपने घबराना नहीं है। और चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह हिलाना जुलाना है, इसको अच्छी तरह फेंटना है आपने। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गई, इसका कलर आ गया, फिर आप कप में डाल के इसको सर्व करें। रॉकी रोड फज के साथ कैरमल टी का कॉम्बिनेशन बहुत ही यम्मी है, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। Thank you.
Thank you.